एवरीवन, वेलकम बैक टू बेलास किचन कॉर्नर। दोस्तों, शायद आप लोगों को याद हो कि मैंने कुछ दिन पहले ही स्टार फ्रूट जूस की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर की थी और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक और बहुत ही हेल्दी स्टार फ्रूट की रेसिपी लेकर आऊंगी। तो चलिए, आज अपना वादा निभाते हुए मैं हाजिर हूँ स्टार फ्रूट चटनी की रेसिपी लेकर। यह खट्टी मीठी चटनी होती है। इसका स्वाद काफ़ी इमली की जो खट्टी मीठी चटनी होती है उससे मिलता जुलता होता है, लेकिन उससे कई गुना बेहतर होता है। बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद होता है। और मेरी जो बहनें रमज़ान की तैयारी में जुटी हुई हैं वो इस चटनी को बनाकर पहले से भी रख सकती हैं। बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट होता है और मुझे पूरा यकीन है आपको भी ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और मुझे आप ज़रूर थैंक यू बोलेंगी इसके लिए। तो इतना बेहतरीन इसका स्वाद होता है, तो एक बार इस चटनी को बनाकर इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए, इससे पहले कि अमेजिंग रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसे ऑन कर दें ताकि जैसे ही मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट बनाना शुरू करते हैं ये स्टार फ्रूट की खट्टी मीठी चटनी। तो इस चटनी को बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें सबसे पहले चाहिए होगा ये स्टार फ्रूट। तो मैं यहाँ पे करीब 3 या 4 स्टार फ्रूट ले लूँगी। इनको मैंने अच्छे से धोकर तैयार कर लिया है। तो देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं ये दिखने में। वैसे आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। तो 4 स्टार फ्रूट से आप करीब 1 कटोरी चटनी बनाकर तैयार कर पाएंगे। हम इन्हें रफली चॉप कर लेंगे। और इस चटनी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये विटामिन सी का सबसे बढ़िया सोर्स है और ये आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। आपके ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखता है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो उसमें भी ये आपकी काफ़ी हेल्प करता है और बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है। और इसे आज हम चीनी से नहीं बल्कि गुड़ से बनाने वाले हैं, तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो चलिए, इसको हम फटाफट चॉप करके तैयार कर लेते हैं। और देखिए, जब आप इसे काटते हैं तो ये बिल्कुल स्टार की तरह नज़र आता है, शायद इसीलिए इसका नाम स्टार फ्रूट पड़ा है। कई जगह इसे कैरम्बोला भी कहा जाता है और कई जगह इसे कमरक भी बोलते हैं। तो देखिए, इन्हें मैंने चॉप करके तैयार कर लिया है। मैं एक पैन गरम कर लूँगी, उसमें मैं डाल दूँगी 8 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। अच्छे से हम तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। हीट को आपने मीडियम पर ही रखना है। और तेल गर्म होते ही अब इसमें डाल दूँगी 1 तेज़पत्ता, 1/2 छोटा चम्मच साबुत सौंफ, और सौंफ के बाद अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी और 1/2 छोटा चम्मच साबुत मेथी। अच्छे से हम इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम पर ही रखना है और बीच बीच में चलाते हुए हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इनका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 2 साबुत लाल मिर्च। अच्छे से इनको हम बीच बीच में चलाते हुए फ्राई करते रहेंगे। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम पर ही रखना है। और देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर भी हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है और इनमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। और अब इस स्टेज में हम डाल देंगे कटे हुए कमरक यानी कि स्टार फ्रूट और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तब तक आपने फ्राई करना है जब तक कि इनका भी कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम पर ही रखना है और हमने इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है जब तक कि इसका कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और बीच बीच में आप इसे चेक करते रहें, बीच बीच में आप इसे चलाते रहें ताकि ये जले ना। तो देखिए, धीरे धीरे इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है और काफ़ी अच्छे से ये फ्राई भी हो रहा है। और अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी की वजह से इसमें बहुत अच्छा सा कलर आता है। अगर आप इसमें और गाढ़ा रंग चाहते हैं तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो अब हम इसे हल्दी और नमक के साथ थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे जब तक कि जो हल्दी है उसका कच्चापन ना चला जाए। तो धीरे धीरे इसी तरह से चलाते हुए हम इसे पकाते रहेंगे। और जब हल्दी अच्छे से भुन जाए इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी, पूरा 1 बड़ा गिलास आपने डालना है। और अच्छे से अब हम इसको ढककर तब तक पकने देंगे जब तक कि जो स्टार फ्रूट है वो अच्छे से गल ना जाए, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तब तक आपने इसको पकाना है। फ्लेम को आप लो टू मीडियम पर ही रखिएगा और इसको पकते वक्त आपने बीच बीच में ढक्कन खोलकर इसको चेक भी करना है और थोड़ा सा बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है। तो देखिए, पानी में काफ़ी अच्छा सा उबाल आ गया है। तो कमरक को अच्छे से गलने में करीब 5 से 6 मिनट लग सकते हैं। और जैसे जैसे स्टार फ्रूट जो है वो पकता जाएगा, सॉफ्ट होता जाएगा, पानी भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए, बीच में एक बार फिर हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, पानी कितना कम हो गया है और स्टार फ्रूट भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है, काफ़ी गल चुका है। इसको मैंने स्पैचुला से दबाकर देखा है तो ये अच्छे से मैश हो पा रहा है। तो इस स्टेज में अब हम तेजपत्ता इसमें से निकालकर बाहर कर देंगे, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। और साथ में हम ऐड कर देंगे 1/2 कप ग्रेट किया हुआ गुड़। अच्छे से हम गुड़ को इसमें मिक्स करेंगे और तब तक पकने देंगे जब तक कि गुड़ जो है अच्छे से इसमें मेल्ट ना हो जाए, अच्छे से गल ना जाए। और जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होता जाएगा हमारा मिक्सचर भी जो है वो गाढ़ा होता जाएगा, चटनी का रंग जो है वो चेंज होने लगेगा, इसका टेक्सचर भी काफ़ी बदल जाएगा, प्यारा सा इसमें ग्लेज आ जाता है, इसका कलर भी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो अभी हम इसे करीब 2-3 मिनट तक और पकने देंगे।
और इसमें हल्का सा खट्टापन लाने के लिए अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच इमली का पल्प, और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे एक छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। अच्छे से इन दोनों को हम इसमें स्टर करते हुए मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि जो चटनी है वो अच्छे से गाढ़ी न हो जाए। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी मत कीजिएगा, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी चटनी का टेक्सचर जो है वो थोड़ा चेंज होगा, वो थोड़ी और गाढ़ी होगी। बस बीच बीच में इसे चलाना ना भूलें ताकि ये जले ना, और बीच बीच में आप इसे मैश भी करते रहें। तो देखिए धीरे धीरे चटनी जो है हमारी गाढ़ी होती जा रही है, उसका कलर भी देखिए धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, और ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और जैसे जैसे हमारी चटनी ठंडी होती जाएगी ये और गाढ़ी हो जाएगी और उसका कलर भी काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो देखिए कितनी झटपट हमारी ये चटनी बनकर तैयार हो गई, और यकीन मानिए इसका स्वाद इमली की चटनी से कई गुना बेहतर होता है, और ये हमारी चटनी सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हम इसे एक सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और देखिए ठंडी होने के बाद हमारी चटनी कितनी गाढ़ी हो गई है और उसका कलर भी कितना चेंज हो गया है। तो आप इस चटनी को बनाकर करीब एक महीने तक एयर टाइट कंटेनर में रखकर स्टोर कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं, और बिल्कुल इमली की खट्टी मीठी चटनी की तरह आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, समोसे के साथ खा सकते हैं, दही बल्ले में डाल सकते हैं, चाट में डाल सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्टी तो है ही, साथ ही में इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो इमली की चटनी से कई गुना ज़्यादा हैं। तो फिर देरी किस बात की है, एक बार आप इस चटनी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि इसको बनाने के बाद और इसको टेस्ट करने के बाद आप मुझे ज़रूर थैंक यू बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये स्टार फ्रूट की खट्टी मीठी चटनी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज़ आपको लगातार मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।